नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम शुक्र मकर लग्न के लिए 12 भावों में क्या फलित देंगे, ये तर्क के साथ समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रथम भाव में शुक्र है तो क्या फलित देंगे? पहले तो हम कारकत्व के हिसाब से शुक्र के क्या फलित मिलेंगे ये जानेंगे। प्रथम भाव में 10वीं राशि है, यानी मकर राशि, जिसका स्वामी है शनि। शनि के और शुक्र के मित्रत्व के संबंध है, यानी शनि और शुक्र मित्र ग्रह है। इस कारण ये इस भाव के लिए अच्छे फलित देंगे तथा शुक्र को अच्छी बलवत्ता प्राप्त है। मित्र की राशि में होने के कारण शुक्र को बलवत्ता प्राप्त है तथा स्थान के हिसाब से अगर देखें तो प्रथम स्थान कुंडली में सबसे शुभ स्थान माना जाता है। ये केंद्र स्थानों में भी आता है और एक कोण स्थान भी है, इस कारण सबसे शुभ है। शुक्र को शुभ स्थान प्राप्त है तथा मित्र की राशि प्राप्त है। इन दो कारणों से शुक्र के कारकत्व के संबंध में अच्छे फलित मिलेंगे, शुभ फलित मिलेंगे। शुक्र का कारकत्व क्या है तो विवाह, पत्नी सौख्य, सौंदर्य, कीर्ति, शैया सुख, कला, इन बारे में शुक्र के अच्छे फलित प्राप्त होंगे। अब आइए भाव से समझते हैं क्या मिलेगा फल। प्रथम भाव में अगर शुक्र है तो क्या फल मिलेगा? प्रथम भाव से क्या देखा जाता है वो पहले देखना जरूरी है। प्रथम भाव से व्यक्ति का व्यक्तिमत्व देखा जाता है, व्यक्तित्व देखा जाता है, वो व्यक्ति दिखने में कैसी रहेगी ये देखा जाता है। और शुक्र से क्या देखा जाता है तो शुक्र इन बातों का कारक है, पत्नी, स्त्री, सौंदर्य, कला, आकर्षण शक्ति, इनकी जोड़ लगानी है। अब स्थान से देखा जाता है व्यक्तिमत्व और शुक्र से देखा जाता है आकर्षण, शुक्र आकर्षण का कारक है, तो इस व्यक्ति के व्यक्तिमत्व में आकर्षण शक्ति रहेगी, पहली जोड़। शुक्र से सौंदर्य देखा जाता है और इस स्थान से व्यक्ति दिखने में कैसी रहेगी, उसका स्वरूप कैसा रहेगा ये देखा जाता है, जोड़ लगाइए, ये व्यक्ति दिखने में सुंदर रहेगी। ये हम तर्क से समझ रहे हैं। और क्या देखा जाता है? व्यक्तिमत्व यहां से देखा जाता है। और शुक्र प्रेम के कारक है, मृदु कोमल भावनाओं के कारक है, इस कारण इस व्यक्ति के व्यक्तिमत्व में प्रेम भावना ज्यादा रहेगी, एक मृदुता ज्यादा रहेगी। ये तो रही भाव से जानी गई बातें, अब हम भावेशत्व से क्या जाना जाएगा। भावेशत्व यानी मकर लग्न के लिए शुक्र को दो स्थानों की मालकियत प्राप्त है, यानी शुक्र की दो राशियां हैं, एक तो है वृषभ, दूसरी है तुला। तो वृषभ राशि शुक्र की पंचम भाव में आती है और दूसरी तुला राशि आती है दशम भाव में। इस कारण शुक्र को पंचम स्थान तथा दशम स्थान की मालकियत प्राप्त है, ये इन स्थानों के स्वामी है। इस कारण मकर लग्न के लिए इन भावों के लिए फल पैदा करेंगे, कहीं भी बैठ जाए लेकिन इन भावों के लिए फल पैदा करेंगे जरूर। अब जानते हैं पंचम भाव के स्वामी होकर अगर ये लग्न में बैठ गए, यानी प्रथम भाव में बैठ गए, तो क्या फल उत्पन्न करेंगे। तो पंचम स्थान से क्या देखा जाता है? पंचम स्थान से संतान सौख्य देखा जाता है, संतति देखी जाती है, विद्या देखी जाती है, विद्या सौख्य देखा जाता है तथा इस भाव से प्रेम प्रकरण भी देखे जाते हैं, प्रणय सौख्य देखा जाता है। इनका स्वामी आकर बैठ गया व्यक्तिमत्व के स्थान पर, खुद पे खुद के स्थान पर, क्या फलित प्राप्त करेगा? इस व्यक्ति को संतति और खुद का जोड़ लगाए तो इस व्यक्ति के संतति के साथ इसके खुद के संबंध अच्छे रहेंगे। कैसे रहेंगे? तो शुक्र से प्रेम देखा जाता है, यानी प्रेम पूर्ण रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और क्या बात पता चलती है? यहां से शुक्र यहां पर है, इसे और क्या पता चलेगा? तो विद्या सौख्य देखा जाता है पंचम स्थान से, ये आकर बैठ गए खुद के स्थान पर, यानी ये खुद के कष्टों से अच्छी विद्या उपार्जित करेंगे। ये जो स्थान है सबसे शुभ है, इस कारण विद्यार्जन पूर्ण होगा, अच्छी विद्या प्राप्त करेंगे। किस क्षेत्र में प्राप्त करेंगे? तो शुक्र है इसका स्वामी, यानी शुक्र के क्षेत्र में, यानी कला के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में ये विद्या प्राप्त करेंगे। और क्या बातें पता चलती है? पंचमेश है और लग्न स्थान में आकर बैठ गए, खुद के स्थान पर आकर बैठ गए, इसकी संतति भी इसके जैसे ही पराक्रमी होगी क्योंकि ये शुभ स्थान है। तर्क से आप बहुत सारी बातें जानिए। अब हम शुक्र के दूसरे स्थान पर आते हैं, दशम स्थान। दशम स्थान का स्वामी लग्न स्थान में है, प्रथम भाव में है, क्या फल देगा? दशम स्थान से कर्म देखा जाता है और वो आ गया खुद के स्थान पर, यानी ये जो व्यक्ति है ये खुद के कष्टों से, खुद के कर्म से, यहां से खुद देखा जाता है, यहां से कर्म देखा जाता है, जोड़ी लगा रहे हैं हम, तो खुद के कर्मों से अच्छा स्थान हासिल करेगा क्योंकि ये शुभ स्थान है कुंडली का तथा शुक्र को अच्छी बलवत्ता प्राप्त है, इसका शुभ फलित प्राप्त होंगे। दशम स्थान पिता का स्थान है, पिता यहां से देखे जाते हैं
और ये प्रथम स्थान से खुद देखा जाता है। तो पिता के स्थान का स्वामी खुद के स्थान में आकर बैठ गया, इस कारण पिता के साथ इस जातक के संबंध बहुत अच्छे होंगे, ये बात पता चलती है। अब इस स्थान से कर्म भी देखा जाता है, पिता भी देखे जाते हैं और स्थान से खुद देखा जाता है। अगर जोड़ लगाई जाए तीनों की तो ये पिता के कर्म को आगे लेके जाएगा, या ये भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है ये राजकारण में भी पाया जाता है, क्योंकि शुक्र राजकारण का कारक है, शुक्र का कोई गुण है मीठे बोलने वाले, वो राजकारण के लिए उपयोगी है। तथा ये शनि की राशि में है, यहाँ पे दशम स्थान का स्वामी होकर शनि की राशि में ये शनि से राजकारण देखा जाता है, शनि राजकारणी ग्रह है। अभी के लोकशाही में तो शनि राजकारणी ग्रह है, हालांकि रवि राजा ग्रह है वो राजेशाही में, यहां लोकशाही में शनि है और शनि की राशि में ये शुक्र आकर बैठ गए। ये व्यक्ति नेता हो सकता है क्योंकि इसका कर्म इससे रिलेटेड है। कई सारी बातें हम लॉजिक से जान सकते हैं, तर्क से जान सकते हैं। यहां पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर आती है, सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है, वैवाहिक सौख्य के स्थान पर विवाह सौख्य के कारक ग्रह की दृष्टि है, इस कारण इस व्यक्ति को वैवाहिक सौख्य अच्छा मिलेगा जीवन में। और क्या बातें पता चलती है यहां से, वैवाहिक जोड़ीदार का स्वरूप रूप दिखने में कैसा रहेगा, उसका व्यक्तिमत्व कैसा रहेगा, यह पता चलता है। शुक्र की दृष्टि है इस कारण इसका वैवाहिक जोड़ीदार दिखने में सुंदर रहेगा। यहां पे कर्क राशि है सप्तम स्थान पे, उस पे शुक्र की दृष्टि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, चंद्र के साथ शुक्र के संबंध जो है शत्रुत्व के है, ये शत्रु के स्थान को देख रहा है। लेकिन जो भाव है सप्तम भाव, ये विवाह का भाव है और शुक्र विवाह के कारक है, कारक ग्रह कारक भाव को जब देखता है तो यहां पे ये किसका घर है, कौन इसका स्वामी है, ये गौन है, ये इस स्थान के लिए अच्छा ही फलित देगा। कर्क राशि होने के कारण इसका जो वैवाहिक जोड़ीदार है ये कद से छोटा होगा, लेकिन शुक्र की दृष्टि होने के कारण सुंदर होगा। जल तत्व की राशि है, यहां पे शुक्र भी जल तत्व के है, यानी ये प्रवाही होते हैं, इनमें मृदु भावनाएं ज्यादा होती है, तो इसके वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में कोमलता ज्यादा रहेगी, प्रेम ज्यादा रहेगा, मृदु भावनाएं ज्यादा रहेंगी, झट से रो देने वाला होगा। ये सारी बातें हम सिर्फ यहां बैठे शुक्र से जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर शुक्र द्वितीय भाव में आ गया तो क्या फल देगा। मकर राशि है प्रथम भाव में और शुक्र द्वितीय भाव में आ गया। अब शुक्र की बलवत्ता पहले देखनी होगी, तो शुक्र है कुंभ राशि में, कुंभ राशि के स्वामी है शनि, शनि और शुक्र में मित्रत्व के संबंध है, यानी शुक्र आके बैठ गया मित्र के घर पर, भाव यानी ये घर ही हुआ, तो ये मित्र का घर है, शनि इसका मालिक है, इस कारण शुक्र यहां पर अच्छे फलित ही देगा। तथा शुक्र को राशि बलवत्ता अच्छी प्राप्त है, ये जो स्थान है ये धन स्थान वगैरह है तो ये भी अच्छा स्थान ही है शुक्र के लिए, अच्छा स्थान है, शुक्र यहां पे अच्छे फलित देगा। तो स्थान बलवत्ता प्राप्त है, राशि बलवत्ता प्राप्त है, इस कारण कारकत्व के मामले में इस जातक को बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे, ये कुंडली धारक को बहुत अच्छे फलित मिलेंगे, यानी वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, कला सौंदर्य, शैया सौख्य, प्रेम आदि के मामलों में यह जातक भाग्यशाली रहेगा। ये तो हुई कारकत्व से जानी गई बातें। अब भाव स्थिति से जानते हैं, ये द्वितीय भाव में बैठा है शुक्र, इसे क्या फलित उत्पन्न होगा। द्वितीय भाव से क्या देखते हैं, तो द्वितीय भाव से धन देखते हैं, उस व्यक्ति की वाणी कैसी रहेगी वो देखते हैं, कौटुंबिक सौख्य देखते हैं और उसमें आकर बैठ गए शुक्र, तो जोड़ लगानी है भाव से जो देखते हैं उससे शुक्र के कारकत्व की। शुक्र आकर्षण का कारक है और यहां से वाणी देखी जाती है व्यक्ति की, तो इस व्यक्ति के वाणी में आकर्षण तत्व रहेगा, यह तो पहली बात पता चलती है। तथा और क्या बात पता चलती है, यहां से धन देखा जाता है, शुक्र यहां पर अच्छे है यानी राशि बलवत्ता से अच्छे हैं, तो ये शुभ ग्रह है, इस कारण ये अच्छा धन उत्पन्न करेगी, इस व्यक्ति को अच्छा धन प्राप्त होगा। कौटुंबिक सौख्य के स्थान पर शुक्र आकर बैठ गए, जोड़ लगानी है, शुक्र से प्रेम देखा जाता है, स्थान से कौटुंबिक सौख्य, कौटुंबिक यानी इस व्यक्ति तर्क अगर लगाया जाए तो इस व्यक्ति के कुटुंब में जो वातावरण है ये प्रेम पूर्ण रहेगा, ये बात ये द्वितीय का शुक्र से हमें पता चल रही है। अब हम भावेशत्व से क्या पता चलता है ये देखते हैं। शुक्र को हमने देख ही चुके हैं कि पंचम स्थान की मालकियत प्राप्त है, यहां पे उनकी खुद की राशि होने के कारण। अब इस भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ गया, पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, जोड़ लगाइए, पंचम भाव से संतति देखते हैं और द्वितीय भाव से धन, तो संतति का धन के साथ जोड़ लगाए, इस व्यक्ति को संतति से धन की प्राप्ति होगी, यह भी बात पता लग रही है। और क्या बात पता लगती है, कि यह शुक्र है, संतति भाव का स्वामी शुक्र है, इस कारण इसके संतति के साथ जो संबंध है ये प्रेम पूर्ण रहेंगे, अच्छे रहेंगे, यह भी बात है। संतति से धन प्राप्त होगा यानी इसकी संतति कर्तव्यगार होगी,
ये भी बात है, कई सारे तर्क हम आगे जोड़ सकते हैं। यहां से विद्या भी देखते हैं, विद्या सौख्य देखते हैं, और विद्या सौख्य का स्वामी गया धन के स्थान पर, यानी ये जो व्यक्ति है, ये जो विद्यार्जन करेगा उसी से धन उत्पन्न करेगा, यानी इसकी जो विद्या है, ये जो सीखा है उस सीख से धन उत्पन्न करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं सीखते एक क्षेत्र में है और काम एक क्षेत्र में करते हैं, तो जिस क्षेत्र से उन्होंने विद्या प्राप्त की है वो उनके धनार्जन के काम में नहीं आती। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, विद्या सौख्य का स्वामी धन स्थान पर होने के कारण जो ये सीखेंगे उसी से धन उपार्जित करेंगे। अब ये प्रेम प्रकरण का स्वामी गया द्वितीय भाव में, धन स्थान में, वाणी के स्थान में, कौटुंबिक सौख्य के स्थान में, तो क्या ये व्यक्ति प्रेम प्रकरण करेगा, ये देखने के लिए सूक्ष्म में जाना होगा। शुक्र की जो राशि है वो है कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि है, और शनि इन मामलों में उदासीन ग्रह है, नपुंसक ग्रह है, इस कारण ये व्यक्ति भी प्रेम प्रकरण के मामले में थोड़ा उदासीन रहेगा। और क्या बात पता चल रही है, शुक्र को दशम भाव की मालिकियत भी प्राप्त है, दशम भाव में उनकी दूसरी राशि है तुला, तो दशम भाव का स्वामी धनस्थान में आ गया, दशम भाव से देखते हैं कर्म, कर्म का स्वामी धन स्थान में आ गया, तो इस व्यक्ति को अपने कर्म में बहुत कष्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने सहजता से अपने कर्म से धन प्राप्ति होगी, सहजता से होगी, क्योंकि कर्म का स्वामी धन में गया है और अच्छी स्थिति में है। कर्म का स्वामी गया वाणी के स्थान पर, वहां पर शुक्र है, तो ऐसा जो व्यक्ति है ये व्यापारी हो सकता है, क्योंकि वाणी से धन की प्राप्ति करने वाला इसका कर्म होगा वाणी से रिलेटेड, क्योंकि वाणी के स्थान पर गया है वो, और वहीं से धन भी देखते हैं, तो वाणी से धन उपार्जित करने वाला व्यापारी हो सकता है। ये और एक बात पता चली, कौटुंबिक सौख्य के स्थान पर कर्म स्थान का स्वामी गया, तो इसको अपने कर्म में अपने कुटुंब की मदद मिलेगी, कई सारी बातें पता चल रही है। दशम स्थान से पिता भी देखते हैं, पिता का सौख्य देखते हैं, और पिता का स्वामी गया धन स्थान में, तो पहले तो हम देख चुके हैं कि ये व्यक्ति व्यापारी होगा, किस क्षेत्र में, पिता का स्वामी धन स्थान में है, यानी ये पिता का व्यापार आगे बढ़ाएगा, उससे धन कमाएगा, कितनी सारी बातें पता चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इस शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है ये तो होगी भावेशत्व से जानी गई बातें, अब दृष्टि से देखते हैं दृष्टियोग से क्या पता चलता है। तो द्वितीय भाव से शुक्र की दृष्टि आती है अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में पांचवा आंकड़ा है यानी सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी है रवि, शुक्र और रवि इनमें शत्रुत्व के संबंध है, यानी शुक्र शत्रु के घर को देख रहे हैं, इस कारण शत्रु के घर को वो बहुत शुभ फल नहीं देंगे, शुक्र शुभ ग्रह है ये बहुत बुरा भी नहीं करते, इस कारण ये मध्यम फल वहां पे देंगे, शुक्र खुद बलवान है लेकिन शत्रु के घर को देख रहे हैं, इस कारण मध्यम फल प्राप्त होगा। अष्टम स्थान से मृत्यु देखी जाती है और उसको शुक्र देख रहे हैं लेकिन वो स्थान शत्रु का है, इस कारण ये व्यक्ति मध्यायु होगा, दीर्घायु नहीं होगा, शुक्र बहुत बुरे फल नहीं देते, इस कारण अल्पायु तो नहीं करेंगे लेकिन मध्यायु होगा। गुरु विद्या का स्थान है, गुरु यहां से गुप्त धन वगैरह देखा जाता है, यहां पर शुक्र देख रहे हैं, क्या बात पता चली, ये शत्रु का स्थान है तो यहां पर वो बहुत अच्छे फल नहीं देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तृतीय भाव से क्या पता चलेगा, अगर मकर लग्न है और तृतीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो क्या फलित प्राप्त होगा। हम पहले कारकत्व से जानते हैं, शुक्र बारहवीं राशि में है, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, उच्च के यानी शुक्र सबसे ज्यादा बलवान होते हैं, और ये जो स्थान है तृतीय भाव ये इतना भी बुरा नहीं, अपोक्लिम स्थान कहते हैं इसे, कुंडली में सिर्फ षष्ठ अष्टम और द्वादश भाव इन्हें घात स्थान की संज्ञा दी गई है, ये थोड़े बुरे फल उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये स्थान बल से और राशि बल से शुक्र बलवान है, इस कारण इनके कारकत्व के विषय में ये बहुत ही अच्छे फलित उत्पन्न करेंगे, यानी विवाह, पत्नी सौख्य, सौंदर्य, कला, शैया सौख्य, प्रेम वगैरह आदि क्षेत्रों में ये अच्छे फलित प्राप्त कराएंगे। अब आते हैं भाव से क्या फल मिलेगा, तृतीय भाव में शुक्र है, तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है और शुक्र से कला देखी जाती है, शुक्र उच्च के हैं, सबसे ज्यादा बलवान है यहां पे, इस कारण ये जो व्यक्ति है ये किसी कला के क्षेत्र में अपना करियर करेगा, ये बात यहां से पता चलती है। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है और यहां पर प्रेम के कारक शुक्र आकर बैठ गए, इस कारण इसके जो छोटे भाई बहनों से संबंध है ये प्रेमपूर्ण रहेंगे। यहां से छोटे भाई बहन भी देखते हैं, यहां पे स्त्री कारक शुक्र आ गया, आप तर्क लगा सकते हो इसको बहने होंगी, छोटी बहने होंगी। यहां से तीसरे स्थान से और क्या देखते हैं, छोटी यात्राएं देखते हैं, ये पराक्रम स्थान भी है, इसको अपने पराक्रम के लिए शायद छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। और एक ये बारहवीं राशि है, गुरु की राशि है, वहां पे शुक्र है, ये कला का शिक्षक भी हो सकता है, ये गुरु की राशि में है,
ज्ञान देना गुरु का काम है, इसमें शुक्र बलवान होके बैठ गए हैं, ये कला का शिक्षक भी हो सकता है। और क्या बातें पता चलती है? पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में आकर बैठ गया, तो पंचम भाव से जो बातें पता चलती है उससे तृतीय भाव से जो बातें फिर पता चलती है उनसे जोड़ी लगानी है। अब पंचम भाव से संतति सौख्य पता चलता है, तृतीय भाव से पराक्रम, तो इसकी जो संतति है ये भी पराक्रमी होगी, कर्तव्यगार होगी, ये यहां से पता चलता है। विद्या सौख्य का स्वामी गया पराक्रम स्थान में, ये जो व्यक्ति है ये अपना विद्यार्जन अपने पराक्रम से अच्छी तरह से पूरी करेगा, क्योंकि उच्च का शुक्र है इस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में या सौंदर्य के क्षेत्र में। यहां का स्वामी पंचम भाव से और क्या देखा जाता है? तो प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं। इसका स्वामी तृतीय पराक्रम भाव में गया और शुक्र प्रेम प्रकरणों का कारक है, यानी भाव से वो देखा जाता, वही देखा जा रहा है जिस भाव का वो स्वामी है, और ग्रह से भी वही देखा जा रहा है, पराक्रम में जा रहा है, तो प्रेम प्रकरणों में पराक्रम, तो ये संभव है, ये जो व्यक्ति है ये इसके प्रेम प्रकरण हो सकते हैं। और क्या बात पता चल रही है? शुक्र दशम भाव के भी स्वामी है, कर्म स्थान का स्वामी आ गया पराक्रम भाव में, जोड़ लगाइए कर्म से पराक्रम की, तो ये जो व्यक्ति ही ये अपने कर्म में पराक्रमी होगा, ये अच्छा कार्य करने वाला होगा, अच्छा काम करने वाला होगा। यहां से पिता भी देखते हैं और यहां से पराक्रम देखते हैं, तो पिता के क्षेत्र में भी पराक्रम हो सकता है। यहां से अगर गिना जाए तो ये छठवां स्थान है, यहां पे दशम भाव के लिए बहुत अच्छे फलित उत्पन्न होगी, ये आशा करना थोड़ा व्यर्थ है, क्योंकि इस भाव से ये छठवां है लेकिन प्रथम से पराक्रम है, इस कारण इसके अशुभत्व में बहुत कमी आएगी। और क्या बातें पता चलती है? तृतीय भाव से ये जो शुक्र है ये नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव से व्यक्ति का भाग्य देखा जाता है, भाग्य के स्थान को पूर्ण बलवान शुक्र देख रहे हैं, और यहां पर भाग्य के स्थान में उनके मित्र ग्रह बुध की राशि है, कन्या राशि, तो मित्र ग्रह को ये अच्छा ही फलित देंगे, यानी ये व्यक्ति जो है ये भाग्यशाली रहेगा, तृतीय स्थान से नवम स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्यशाली रहेगा। यहां से छोटी यात्रा, यहां से बड़ी यात्राएं देखी जाती है, और ये पराक्रम भाव से यानी छोटी यात्राओं के स्थान से या पराक्रम भाव से वहां पर दृष्टि डाल रहा है यात्राओं के स्थान पर, तो ऐसा व्यक्ति अपने काम के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। यहां से धार्मिकता भी देखी जाती है और छोटी यात्राओं के स्थान पर बैठकर, यहां से छोटी यात्राएं देखी जाती है तृतीय भाव से, यहां पर बैठकर शुक्र धार्मिकता के स्थान पर देख रहा है, तो ये जो व्यक्ति है धर्म के लिए यात्रा करेगा यानी तीर्थ यात्रा करेगा, ये बात यहां से पता चलती है, धार्मिक होगा ये व्यक्ति। कई सारी बातें हम तर्क से जान सकते हैं, मैं तो बस यहां पर लॉजिक बता रहा हूं, सारा गर कहना है एक एक भाव के लिए एक एक घंटा चला जाएगा, आप अपना तर्क विकसित कीजिए, और क्या क्या जाना जाता है किस भाव से और शुक्र से और क्या क्या जाना जाता है ये जानिए, और उनकी जोड़ी लगाइए चार बातों में, एक तो कारकत्व के बारे में, भाव स्थिति से, भावेशत्व से और दृष्टि योग से। अगले कार्यक्रम में हम चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव तक क्या फलित उत्पन्न होंगे शुक्र के मकर लग्न के लिए ये जानेंगे, तर्क से के साथ जानेंगे, इसका तर्क भी जानेंगे, लॉजिक भी जानेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।